9 जून को पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बाबर आजम 300 रन और मोहम्मद रिजवान 200 रन बनाते हैं। पाकिस्तान 501 का इंडिया को टारगेट देता है। जब इंडिया की बल्लेबाजी आती है तो शहनशाह अफरीदी 6 बोलों पर 6 विकेट ले लेता है और मोहम्मद आमिर 4 विकेट लेता है और इंडिया की टीम को 0 पर ऑल आउट कर देते हैं। पाकिस्तान आसानी से मुकाबला जीत जाता है। अरे साला सुबह ये हो जाएगा कि इसमें भी रंडी रोना होगा तुम्हारा? हो जाएगा। खबर को तो कैप्टेंसी से हटाया, जब वापस लेके आया तब भी उसकी मर्जी नहीं थी, तो बोर्ड ने बनाया ना। 2020 में हम फाइनल खेले, ठीक है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंसेस तो थी, हम नहीं जीत पाए, ये एक डिबेट हो सकती है कि हम फाइनल में नहीं क्लिक किए। वी अंडरस्टैंड के इमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, वी अंडरस्टैंड के यंग है, इन्होंने खेलना बड़ी, हम भी यही बातें करते थे जब हम इमाम की एज में थे। आई एम 34, सिक एंड टायर्ड ऑफ थिंग्स। मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं 36 का होऊंगा ना, मेरा स्टैंड यही होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 28 में भी फिर आके बोले। सही बात, अगर 28 में अगर उसको लग रहा है। ग्रुप स्टेज पे 5 जून को आप देखेंगे आयरलैंड और न्यूयॉर्क का, और उसके बाद 9 जून का सबको इंतजार रहेगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूयॉर्क 12 जून को यूएसए वर्सेस न्यूयॉर्क और 15 जून को कनाडा वर्सेस फ्लोरिडा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? लेकिन एक सेकंड, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Hello guys, make sure to subscribe if you are new to this channel and help to reach 3000 subscriber. Thank you. इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। मेरी तमामी वालदैन से दरख्वास्त है, खासकर कि जब भी आपका बेटा कभी भी किसी भी चीज़ में नाकाम होकर या हार कर घर की तरफ लौटे ना, तो खुदारा उसे रुसवा ना करें, उसे शर्मिंदा ना करें, उसे जलील ना करें। ये काम तो बाहर पूरी दुनिया कर रही है उसके लिए, और फ्री में कर रही है, हर एक कदम पे कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की, सहारे की जरूरत है कि कोई बात नहीं बेटा, आज हो गया, कल कामयाब हो जाएगा। ये उसके लिए एक अलग ही जुनून दे देगा उसको। तो खुदारा ये दरख्वास्त मेरी मंजूर करें और उसे शर्मिंदा ना करें।